जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना है कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक मत बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it, it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं, मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है।